नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाईटेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड दैट इज डायरेक्ट टैक्स। और इस सब्जेक्ट के लास्ट वाले सेशन में हमने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के बारे में इंपॉर्टेंट कंडीशंस को समझा था, और अब इस सेशन में हम इन्हीं कंडीशंस को फॉलो करके पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करने के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने वाला है। तो ये सेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझना कि ये सारी कंडीशन आपके माइंड में फिट हो और रेसिडेंशियल स्टेटस प्रॉपरली डिस्कस कर सको। तो इसके लिए आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले ले, और मेरे साथ साथ अच्छे से इस एग्जाम्पल्स को समझना है और अपनी नोटबुक में भी कैलकुलेशन करना है। यहां पे हम लोग एग्जाम्पल की प्रैक्टिस शुरू करें, इससे पहले मैं एक बार फिर से आपको जो लास्ट सेशन में इंपॉर्टेंट कंडीशन समझाई थी वो रिकॉल करवा देता हूं कि भाई इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या नॉन रेसिडेंट है, इसके लिए यहां पे कम से कम एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि क्या कहती है कि जो इंडिविजुअल है वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा टाइम के लिए इंडिया में होना चाहिए, या तो फिर दूसरी कंडीशन कि वो इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा टाइम के लिए इंडिया में हो, पर पिछले चार प्रीवियस ईयर का मिला के वो 365 डेज से ज्यादा भारत में होना चाहिए। अगर ये दो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो नॉन रेसिडेंट है। अभी अगर ये पता चल जाता है ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है और वो रेसिडेंट इन इंडिया है, तो आगे हमें ये देखना है कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो उसके लिए यहां पे ये दो एडिशनल कंडीशन थी, जिसमें क्या था कि पिछले प्रीवियस 10 साल अगर हम कंसीडर करें तो उसमें कम से कम 2 साल के लिए वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, या तो फिर उसके साथ साथ 730 डेज से ज्यादा टाइम पिछले 7 सालों में वो इंडिया में होना चाहिए। तो यहां पे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हम इसको कह सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। तो आई होप कि ये बेसिक कंडीशन जो कि लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाई थी, अब इसको फॉलो करके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझना है और आपको भी अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। आप पैम्पलेट में देखोगे और साथ में यहां पे बोर्ड पे देखोगे। देखो पहले एग्जाम्पल में क्या कहा है, मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो भारत से बाहर जाते हैं ऑन मई 20, 2017 को वो पहली बार भारत से बाहर जाते हैं, मतलब उससे पहले वो इंडिया में ही थे। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 ही केम टू इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 53 डेज, 1920 के फाइनेंशियल ईयर में वो 53 डेज के लिए भारत में आए थे। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। अब ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है, इसका मतलब पहले तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे असेसमेंट ईयर जो है वो कौन सा होगा, 2020-21। तो अगर आपको ये पूछा है कि डिटरमाइन फाइनेंशियल स्टेटस या रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2020-21, तो भी ये सेम ही हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वो भारत से कब जाता है, 20 मई 2017 को पहली बार भारत से जाता है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम 2019-20 ईयर की बात करेंगे, तो आप लोग टेबल बनाओगे ईयर और कितने दिन वो भारत में था, तो यहां पे लिखना है ईयर और उसके बाद डेज इन इंडिया, ऐसा छोटा सा टेबल बनाओगे। सबसे पहले 2019-20, अभी यहां पे देखो 2019-20 में डायरेक्टली दे दिया है कि वो कितने दिनों के लिए भारत में था, देखो 53 डेज के लिए वो भारत में था, वो क्लियरली बता दिया है। तो यहां पे हम लिखेंगे 2019-20 में 53 डेज, उससे पहले का जो प्रीवियस ईयर होता है या फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 2018-19। अभी देखो यहां पे 2018-19 में वो एक भी दिन भारत में नहीं था, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो 20 मई 2017 को वो भारत छोड़ चुका है, ठीक है, और बीच में कब वापस आया ये नहीं बताया है, सीधा ये बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में वो 53 डेज के लिए भारत में आया था। इसका मतलब 18-19 का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है और वो भारत छोड़ चुका है, तो मतलब कि वो भारत में नहीं था, तो यहां पे जीरो।
उसके बाद ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि है 2017-18। अभी यहां पे ध्यान से देखो, वो 20 मई को भारत छोड़ चुका है, मतलब 20 मई से पहले तो वो भारत में था, और फाइनेंशियल ईयर हमारा जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो यहां पे वो 1 अप्रैल से लेके 20 मई वो भारत छोड़ के जाता है, तो तब तक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहां पे ध्यान से समझना कि वो 2017-18 के दौरान कितने दिनों के लिए भारत में था। तो देखो वो 20 मई को तो भारत छोड़ के चला जाता है, तो 20 मई तो कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि वो दिन तो उसने भारत छोड़ दिया, तो उससे पहले पूरे अप्रैल महीने में वो इंडिया में था, और अप्रैल महीने में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। और मई महीने की बात करें तो उसने 20 मई को भारत छोड़ दिया, तो 20 मई से पहले 1 मई से लेकर 19 मई तक, मतलब ऑब्वियसली 19 डेज हुए, तो वो 19 दिन के लिए मई महीने में वो भारत में था। तो यहां पे कैलकुलेटर पे देखो टोटल वो इंडिया में कितने दिनों के लिए था 17-18 में, तो अप्रैल महीने के 30 दिन आप यहां पे बोर्ड पे भी देख सकते हो और अपने कैलकुलेटर पे भी करोगे, और मई महीने में वो 19 डे के लिए था, क्योंकि 20 मई को भारत छोड़ चुका है तो वो कंसीडर नहीं करना है, तो 49 डेज के लिए वो 17-18 में इंडिया में था। और उससे पहले की बात करें, क्योंकि हमें 4 साल तक का पता होना चाहिए, देखो दूसरी कंडीशन के लिए पहली और दूसरी दो कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन में भी यहां पे हमें फोर्थ ईयर कंसीडर करना है, तो उससे पहले वाला ईयर मतलब क्या हो जाएगा 2016-17। अभी देखो वो 20 मई को पहली बार भारत छोड़ के गया है, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, उसका मतलब कि उससे पहले तो वो भारत में ही रहता था, मतलब पूरे साल भारत में ही था, मतलब टोटल 365 डेज के लिए वो इंडिया में ही था इससे पहले। अभी हम लोग यहाँ पे ये कंडीशंस को चेक करेंगे कि इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर दोनों में से कोई भी एक हो जाती है, मतलब वो रेसिडेंट इन इंडिया है, फिर हम लोग ये दो एडिशनल कंडीशन को मैच करेंगे। अगर ये दोनों में से एक भी फॉलो नहीं होती है, मतलब कि वो नॉन रेसिडेंट है, तो फिर आगे की ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन है उसके ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो पहली कंडीशन यहां पे क्या कहती है कि प्रीवियस ईयर में वो 182 या उससे ज्यादा दिनों के लिए भारत में होना चाहिए। तो यहां पे चेक करो, जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 2019-20, ये तो भाई ये तो 53 डेज के लिए ही है भारत में, मतलब 182 डेज वाली कंडीशन तो अप्लाई होती नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन के अंदर क्या बोला है कि 60 डेज या उससे ज्यादा दिनों के लिए प्रीवियस ईयर में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में चाहिए, और पिछले 4 सालों के अंदर 365 से ज्यादा डेज, तो यहां पे 60 डेज होने चाहिए, और जबकि यहां पे देखो कितने हैं, 53 डेज ही है, मतलब सेकंड कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है कि 60 दिन भी नहीं है, चलो 182 डेज तो नहीं है, 60 डेज भी भारत में नहीं था, तो मतलब यहीं पे क्या पता चल गया कि भाई तुम तो पहली दो में से एक भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, तो मतलब आप हो गए नॉन रेसिडेंट। तो यहां पे मैं आपको इंटरप्रिटेशन लिख के दिखाता हूं, इंटरप्रिटेशन क्या आएगा कि मिस्टर एक्स डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, सो उनका फाइन यहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। तो नीचे आप मेन आंसर लिखोगे फाइनल स्टेटस, वो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, और यहां पे आपका पहला एग्जाम्पल खत्म हुआ। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसको जरा ध्यान से समझिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखना। मिस्टर एक्स अ जर्मन टूरिस्ट, देखो इंडियन नहीं है, जर्मन टूरिस्ट है, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मे 17, 2018। तो पहली बार भारत में कब आ रहा है, आप ऐसा लिखोगे केम टू इंडिया 17 मई 2018। ही लीव्स इंडिया, छोड़ देता है भारत को कब, 15 सितंबर 2019 को, तो 15 सितंबर 2019 को उसने भारत छोड़ा। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, तो असेसमेंट ईयर 2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 19-20, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट हो जाएगा 2021। तो यहां पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर डेज इन इंडिया ये मेन है,
और ये डेज का कैलकुलेशन दिखाने के लिए मैंने एक ये डेज वाला भी टेबल बनाया हुआ है, वो कॉलम आप ध्यान से समझना। सबसे पहले यहां पे क्या कहा है, तो देखो कौन सी डेट को वो भारत में आया था, 17 मई 2018 को, और कब जा रहा है, 15 सितंबर 2019 को। तो पहले हम लोग लिखेंगे जो भी असेसमेंट ईयर है उससे रिवर्स में जाएंगे, तो 2019-20। अभी देखो उसने भारत छोड़ा कब, 15 सितंबर 2019 को, और ये ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके, यहां पे आप समझो 1 अप्रैल 2019 से लेके कब वो भारत छोड़ के जा रहा है, 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर 2019 के लिए वो भारत में था। तो यहां पे कितने दिन होते हैं इसका कैलकुलेशन करना होगा। तो आप लोग ध्यान से समझो, 1 अप्रैल से शुरू होता है तो अप्रैल महीने के सभी पूरे के पूरे 30 दिन आएंगे। अप्रैल के बाद आता है मई मंथ, मई में 31 डेज होते हैं, प्लस जून महीना, जून में 30 डेज, उसके बाद जुलाई 31, उसके बाद अगस्त 31, अगर याद ना हो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वो पता है ना, जब छोटे थे तब करते थे वही सिस्टम को फॉलो करोगे। तो यहां पे जुलाई और अगस्त के 31, 31, और उसके बाद सितंबर मंथ में ड्रॉप कर देता है, मतलब भारत छोड़ देता है, 15 सितंबर को छोड़ रहा है। तो 15 सितंबर कंसीडर नहीं करनी है क्योंकि 15 सितंबर को उसने भारत छोड़ दिया है, तो उसके आगे वाला दिन तक, मतलब 14 सितंबर तक वो भारत में था। तो अभी ये कितने दिन भारत में है उसका टोटल करते हैं, आप लोग अपने कैलकुलेटर पे करोगे और यहाँ पे बोर्ड पे भी देख सकते हो। देखो अप्रैल के 30 प्लस मई के 31 प्लस जुलाई, जून के 30 प्लस जुलाई के 31 प्लस अगस्त के 31 और सितंबर के 14, मतलब 167 डेज के लिए वो इंडिया में था। तो यहाँ पे टोटल डेज कितने हुए, 167, ये भारत में हुआ, ठीक है। उससे पहले वाला ईयर वो कौन सा है, तो यहाँ पे ये एक कंडीशन के लिए हमारा ये एक ईयर खत्म हुआ, ये ध्यान रखना कि ये पहला जो मेन प्रीवियस ईयर कंसीडर होता है बेसिक कंडीशन के लिए वो हो गया। अब उसके पहले के चार प्रीवियस ईयर देखे जाते हैं, देखो 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब ये प्रीवियस ईयर जो है हमारा 1920, उसके पहले के चार प्रीवियस ईयर में वो 365 डेज से ज्यादा भारत में है या नहीं वो चेक करना है। पर ये तो जर्मन का टूरिस्ट है, भारत में एंट्री ही उसने तो 15 मई 2018 को ली है, तो उससे पहले तो ऑब्वियस है कि वो इंडिया में था ही नहीं। तो यहां पे सेकंड जो ईयर होगा वो कौन सा आएगा, 2018-19, और उसी में वो एंट्री ले रहा है भारत में, उससे पहले तो वो भारत में था भी नहीं। तो यहां पे नंबर ऑफ डेज के लिए हमें कंसीडर करने होंगे 17th मई से उसने एंट्री ली है, तो 17th मई से लेके 31st मार्च 2019 को ईयर खत्म होता है। तो यहां पे 17th मई 2018 से लेके 31st मार्च 2019 तक वो भारत में था। तो यहां पे उसके दिनों का कैलकुलेशन करते हैं, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो वो 17th मई को भारत में एंट्री ले चुका है, ठीक है, तो वो 17th डेट को कंसीडर करना है। तो आप लोग कैलकुलेटर पे क्या करोगे, तो ध्यान से समझो, आप लोग अपना कैलकुलेटर ले लोगे, मई महीने में टोटल 31 डेज होते हैं, उसमें से उसने 17th मई को एंट्री ली है, तो 17th डेट माइनस कर देंगे, 31 माइनस 17, जो भी डेट में एंट्री ली है वो दिन वो माइनस करेंगे, वो दिन नहीं हुआ वो डेट माइनस करेंगे, 31 में से जिस डेट पे उसने एंट्री ली है उस डेट को हम लोग माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 14 डेज, 31 माइनस 17, तो 14 डेज ये मई मंथ के हुए। तो यहां पे मई मंथ के 14, उसके बाद 31 मार्च तक जाना है, तो मई के बाद जून महीने के तो 30, जुलाई के 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के भी 31, जनवरी के बाद फरवरी 18-19 है जो कि लीप ईयर नहीं है, तो 28 और फिर 31। तो कैलकुलेटर पे देखते हैं, यहां पे देखो 14 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस दो बार 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, तो क्या हो रहा है, 318 दिन, 318 डेज। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 318 डेज,
318 दिन वो भारत में था, कौन से 2018-19 में, उससे पहले तो वो भारत में था ही नहीं क्योंकि वो जर्मन का था और पहली बार भारत में आया था। तो अब यहां पे हम लोग बेसिक कंडीशन को चेक करते हैं। सबसे पहले तो दो बेसिक कंडीशन कौन सी है, तो पहला तो कि भाई वो प्रीवियस ईयर में 182 डे से ज्यादा दिन के लिए भारत में होना चाहिए, ये प्रीवियस फर्स्ट कंडीशन। देखो तो चेक करो कि क्या ये सेटिस्फाई होती है। तो देखो वो तो 167 डेज के लिए ही भारत में था, मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो नहीं रही है 182 डेज वाली। तो यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए दूसरी बेसिक कंडीशन देखते हैं वो फुलफिल होती है या नहीं। तो दूसरी कंडीशन क्या कहती थी, वी वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा होना चाहिए और उससे पहले के चार प्रीवियस ईयर में वो 365 डेज से ज्यादा दिन के लिए भारत में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो जर्मन है एक्स, उसने देखो 2019-20 जो कि हमारा प्रीवियस ईयर है उसमें वो 60 डेज से ज्यादा के लिए टाइम भारत में था। तो देखो सेकंड कंडीशन, मिस्टर एक्स इज इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज इन प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर। बट अभी आप देखो दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यहां पे ये जो फाइनेंशियल ईयर था 1920 उससे पहले के 4 साल का मिला के वो 365 डेज से ज्यादा होना चाहिए। अभी यहां पे देखो उसका 318 ही है, उससे पहले तो वो भारत में ही नहीं था, तो मतलब वो सेकंड कंडीशन है वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है कि 60 दिन से ज्यादा हो और साथ में 365 डेज होने चाहिए। अभी 60 डेज से ज्यादा है बट क्या हो रहा है, बट नॉट फॉर मोर देन 365 डेज इन प्रीवियस इमीडिएट 4 प्रीवियस ईयर। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, पहले में 182 डेज तो थे ही नहीं, दूसरे में 182 से ज्यादा निकल गए, 60 हो गए, बट पिछले 4 सालों का मिला के 365 डेज नहीं हो रहा है। मतलब पहली दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या जाएगा कि भाई ये क्या है, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अगर रेसिडेंट होता तो आगे की एडिशनल कंडीशन हम देखते हैं जो कि मैं आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो पहले इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है और नोटबुक में सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, अगर आपने इस एग्जाम्पल को अपनी नोटबुक में सॉल्व कर दिया है तो नेक्स्ट आगे का एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें क्या कहा है, मिस्टर ए कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 16th अप्रैल 2019। देखो कब आ रहा है, 16th अप्रैल 2019 को। ड्यूरिंग हिज स्टेज इन इंडिया अप टू 15th अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक वो भारत में था, मतलब 15 अक्टूबर को उसने क्या किया, भारत को छोड़ दिया है। हिज स्टेज एट दिल्ली अप टू 30th अप्रैल 2019, मतलब ये 16 अप्रैल से लेके 15 अक्टूबर तक जब भारत में है उसमें से उसने 30 अप्रैल तक दिल्ली में रहा और उसके बाद उसने मद्रास में रहा, मद्रास जो कि आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। जब तक वो भारत को छोड़ता नहीं है तब तक, अभी दिल्ली में रहा हो या मद्रास में रहा हो, दोनों इंडिया में ही है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई इंडिया में कौन सी सिटी में रहा है। इस चीज को ध्यान रखना, इंडिया की सिटी के साथ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा, 1920। ठीक है, तो यहां पे देखो 19 में ही वो एंट्री ले रहा है, तो सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर हमारा 2019-20 और उसी में उसकी पहली एंट्री है, उसके पहले तो वो भारत में आया ही नहीं था। ठीक है, तो वो 16 अप्रैल को भारत में आ रहा है, तो यहां पे 16 अप्रैल 2019 से लेके जा कब रहा है, 15 अक्टूबर 2019, तो यहां तक वो कितने दिन भारत में रुका हुआ था। तो देखो वो अप्रैल महीने में 16 तारीख से आ चुका है, तो अप्रैल महीने के 15 दिन, क्योंकि 16 तारीख से आ चुका है तो आप सिंपल कैलकुलेशन भी करोगे, 16, 17, 18, 19, 20, 30 अप्रैल तक जाना है, तो 15 दिन के लिए वो था। उसके बाद मई मंथ, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर और अक्टूबर महीने में कौन सी डेट को वो जा रहा है? 15 अक्टूबर को जा रहा है। अभी सेम फाइनेंशियल ईयर है, तो या तो आया है वो दिन कंसीडर करना है या गया है वो दिन कंसीडर करना है। तो यहां पे हमने 16th अप्रैल को यहां पे कंसीडर कर दिया, मतलब 16th अप्रैल के साथ हमने दिनों को कंसीडर किया है, तो यहां पे हम लोग 14th अक्टूबर तक ही कंसीडर करेंगे क्योंकि 15 अक्टूबर से वो जा रहा है। तो कैलकुलेटर पे देखो, 15 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 14, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 182 डेज हो गए। मतलब यहां पे हमारे लिए काफी आसान काम हो गया। पहली जो दो बेसिक कंडीशन थी उसमें पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 182 डेज और मोर वो इंडिया में होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे यही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो दूसरी बेसिक कंडीशन भी देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि देखेंगे तो क्या एक भी 60 डेज से ज्यादा है, पर चार साल जो हम देखे आगे के तो 365 डेज नहीं हो रहे, बट कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर में यहाँ पे 182 डेज ऑलरेडी हो चुके। ये पहली बेसिक कंडीशन हमारी क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई है कि भाई वो भारत में 182 या उससे ज्यादा दिनों के लिए प्रीवियस ईयर में था और यहाँ पे 182 डेज हमारा आ गया। तो इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे? फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मिस्टर ए वॉज इन इंडिया फॉर 182 डेज इन फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर। दैट मींस फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब वो रेसिडेंट इन इंडिया है, ये बात क्लियर हो गई। अब रेसिडेंट इन इंडिया है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपको? ये दो बेसिक एडिशनल कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसमें क्या कहा है कि पिछले 10 प्रीवियस ईयर का हम देखें तो उसमें से कम 2 साल के लिए वो भारत में रेसिडेंट होना चाहिए। पर ये जो बंदे है भाई साहब वो तो आए ही 2019 में है, मतलब उससे पहले वो भारत में थे ही नहीं। तो यहाँ पे 2 out of 10 डेज या 730 out of 7 ईयर्स ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये दोनों बेसिक के अलावा की जो एडिशनल कंडीशन है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। बेसिक कंडीशन एक सेटिस्फाई हो गई तो रेसिडेंट इन इंडिया है, बट दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। तो यहां पे हम लोग स्टेटस क्या लिखेंगे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्लियर? तो इसको भी आप जरा समझ के अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आपका ये एग्जाम्पल हो गया है तो ये वाला एग्जाम्पल भी आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। मिस्टर पी एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन है, सिटीजनशिप को रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ कोई लेना देना नहीं है। कम्स टू इंडिया आफ्टर 20 years, देखो 20 सालों के बाद। ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, याद आ गया और भारत आ रहा है 20 सालों के बाद। कब? ऑन 28 May 2019 एंड स्टेज अप टू December 5, 2019 तक वो भारत में रुका है। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2021, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920, उससे पहले के 20 सालों तक तो वो भारत में था ही नहीं क्योंकि 20 साल के बाद आ रहा है। तो यहां पे कम्स टू इंडिया कौन सी डेट को आ रहा है? 28 May 2019। भारत छोड़ के जा कब रहा है? 5 December 2019। तो यहां पे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के हम डेज गिनेंगे तो 28 May से लेके हमें कौन सी डेट? 5 December 2019 तक के डेज को कंसीडर करना है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं 28 मई को एंट्री ली है तो 28, 29, 30, 31, क्योंकि मई महीने में 31 दिन होते हैं तो मई महीने के 4 दिन, ठीक है? आप ध्यान से समझोगे कि जो दिन एंट्री ले रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे, जिस दिन जा रहा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो यहां पे जो हमारा मई मंथ है उसके 4 दिन, उसके बाद जून, 30 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में कौन सी डेट को जा रहा है? 5th डेट को, तो 5th डेट कंसीडर नहीं करेंगे तो उसके अलावा के 4 दिन। तो यहां पे हम टोटल करते हैं कैलकुलेटर पे, आप अपने कैलकुलेटर पे करोगे, देखो 4 + 30 + 31 + 31 +
थर्टी प्लस 31 प्लस 30 प्लस 4 कितने हो गए 191 डेज वो भारत में है। तो यहां पे 191 डेज, तो आप देखो पहली ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 182 और मोर डेज। तो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मतलब रेसिडेंट इन इंडिया हो गया। अब ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है तो उसके लिए क्या देखना है कि पिछले 10 सालों में वो 2 साल के लिए रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, पर यहां तो वो 20 साल के बाद ही तो एंट्री ले रहा है, तो पिछले 10 साल में वो भारत में था ही नहीं। उसी तरह से पिछले 7 सालों का हम देखें तो वो 730 डेज के लिए भारत में होना चाहिए, पर वो तो 20 साल के बाद एंट्री ले रहा है। मतलब ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो रेसिडेंट इन इंडिया है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दैट मीन्स ही वॉज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, बट क्या हो गया, बट टू एडिशनल कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहां पे हम लिखेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, इसको जरा समझिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। चलिए दोस्तों, अगर आपने ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल समझ लिया है तो ये फिफ्थ वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको कैलकुलेशन में खास ध्यान रखने की जरूरत है, तो प्रॉपरली समझना। अ फॉरेन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 30 इयर्स, पिछले 30 सालों में वो पहली बार वो भारत में आ रहा है, ऑन 20th मार्च 2019। देन ऑन, यहां से थोड़ा सा चेंज हो रहा है उसको जरा अच्छे से समझना, ऑन 1st सितंबर 2019 ही लीव्स इंडिया फॉर नेपाल, मतलब वो भारत छोड़ के नेपाल में जाता है, कब, 1st सितंबर 2019 को, इन अ बिजनेस ट्रिप काम के लिए। एंड ही कम्स बैक ऑन 26th फरवरी 2020, वो भारत में आता है 26th फेब 2020 में। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर 2021, मतलब ऑब्वियस है कि फाइनेंशियल ईयर होगा 19-20। अब 1920 के अंदर ही ज्यादा कैलकुलेशन आएगा कि वो भारत में है, फिर नेपाल जा रहा है, फिर भारत आ रहा है, तो यहां पे आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1920 का, उसमें दो कैलकुलेशन हमें करने पड़ेंगे 2019-20 का ईयर। उसमें ध्यान से समझो कि वो 20th मार्च को ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है, तो 1920 जो ईयर होगा वो तो 1st अप्रैल से शुरू होगा, तो वो 1st अप्रैल से तो भारत में ही है, तो 1st अप्रैल 2019 से लेके वो कब जा रहा है, तो वो जा रहा है यहां पे 1st सितंबर को जा रहा है, ठीक है, 1st सितंबर 2019। तो यहां पे 1st सितंबर को तो हमें इग्नोर करना पड़ेगा, तो उसके अलावा के दिन कितने होंगे, तो यहां पर ही मैं बाजू में लिखता हूं, देखो अप्रैल के 30, मई 31, जून 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, और सितंबर में, पहले ही सितंबर में वो जा रहा है, तो सितंबर कंसीडर नहीं करना है। तो यहां पे देखो अप्रैल के 30 प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त, तो कितने हो गए 153 डेज के लिए वो भारत में था, 153 डेज के लिए। बीच में एक ऐसा ड्यूरेशन आता है जो वो भारत छोड़ के नेपाल जाता है, तो स्टेज इन नेपाल, वो यहां पे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ बीच में बता समझाने के लिए लिख रहा हूं कि भाई वो बीच में नेपाल चला गया, अब वो वापस कब आ रहा है, तो फिर से पहले ही पार्ट मतलब 1920 की ही बात कर रहे हैं, वो भारत में वापस आया 26 फरवरी को। तो यहां पे 26 फरवरी से ध्यान से देखो 26 फरवरी 2019 से लेके फिर ईयर खत्म होगा तब, यानी कि 31st मार्च 2020 तक, यहां पे 20 है सॉरी 20 तक वो भारत में, 26 फरवरी से लेके 31 मार्च तक वो भारत में ही है। तो यहां पे डेज समझो, 26 को तो वो भारत में आ चुका है
और फरवरी मंथ 2019 की बात है यहां पे, 2020 की बात है यहां पे, जो कि लीप ईयर होता है 2020, वो लीप ईयर है और वो भारत में आया है, बट 31 मार्च तक भी वो भारत में ही था, तो यहां पे हमें एक दिन इग्नोर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कैलकुलेटर पे, 29 डेज माइनस 26, तो कितने दिन हो गए, फरवरी महीने के 3 प्लस मार्च महीने में पूरे महीने को हम कंसीडर करेंगे 31, तो यहां पे टोटल कितने हो गए, 31 प्लस 3 मतलब हो गए 34 डेज। ठीक है, तो यहां पे ये पहले प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो टोटल कितने दिन हो रहे हैं, तो 153 प्लस 34, तो टोटल कितने हो गए, 187 डेज। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर 2019-20 की बात की कि भाई पहले ये भारत में आया उसके, फिर नेपाल चला गया तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, फिर वो भारत में आ गया तो ये उसके दिन, तो सभी मिला के 187 डेज हो रहे, मतलब पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब रेसिडेंट इन इंडिया हो गया। बट आगे का यहां पे हम कैलकुलेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करोगे तो भी माइंड में क्लिक हो गया, क्योंकि देखो यहां पे एंट्री उसने 20th मार्च को ली है, तो 18-19 फाइनेंशियल ईयर के भी आप यहां पे डेज लिख सकते हो, हालांकि नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पहले वो भारत में था ही नहीं, तो जो दो एडिशनल कंडीशन है उसके साथ कोई लेना देना होगा ही नहीं। देखो 2018-19 कब उसने एंट्री ली है, 20th मार्च 2019 को अप टू 31st मार्च 2019, तो यहां पे क्या होगा, 31 माइनस 20 कर दो या चलेगा, तो 11 डेज। ठीक है, उसके साथ हमें यहां पे कोई लेना देना है नहीं, पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब रेसिडेंट इन इंडिया है। दो एडिशनल कंडीशन में क्या था कि पहले 10 प्रीवियस ईयर में से 2 साल वो कम से कम रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, पर यहां पे ये बंदा तो 30 साल के बाद पहली बार आ रहा है, तो पिछले 10 साल गिनो या पिछले 7 साल की कंडीशन गिनो, जो कि एडिशनल 2 कंडीशन है, एक भी सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होगा। तो यहां पर हम इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे के ही स्टेड इन इंडिया फॉर 187 डेज इन प्रीवियस ईयर अथवा फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड बट एडिशनल कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बट नो एडिशनल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, मतलब कि पहले में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब रेसिडेंट इन इंडिया तो हो गया बट जो दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो नॉट ऑर्डिनरी, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ध्यान से समझना था, इसको समझिए और अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। अभी अगर आपने इस एग्जाम्पल को भी समझ के लिख दिया है तो अब ये वाला तो दोस्तों बहुत इजी है, जिसमें सारी चीजें डायरेक्टली देती है, मिस्टर एक्स अ फॉरेन सिटीजन कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15th अप्रैल 2015, देखो 2015 में आ चुका है फर्स्ट टाइम, और ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, ही इज इन इंडिया टू 130 डेज, 80 डेज, 13 डेज, 210 डेज एंड 17 डेज रिस्पेक्टिवली, मतलब इस तरह से वो भारत में था, डायरेक्टली दे दिया है, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 2015-16 ये वाला पहला, उसमें वो भारत में कितने दिन के लिए था, तो सबसे पहले यहां पे दिया है 130 डेज, तो ये हो गया 130 डेज। उसके बाद 16-17 उसमें वो कितने दिन के लिए है, 80 डेज, तो यहां पे हम लिखेंगे 16-17 में 80 डेज। फिर देखो 30 डेज, तो यहां पे हम लिखेंगे 30, आप लोगों को टेबल बनाना है यार, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया। फिर 210 डेज एंड 1920, जो कि हमारा ये मेन फाइनेंशियल ईयर है जिसको हमें ध्यान में रखना है, उसके कितने हैं, 75 डेज, और हमें असेसमेंट ईयर 2020-21 का ढूंढना है, मतलब फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 1920, तो ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां पे देखोगे तो जो दो बेसिक कंडीशन है उसमें से पहली 182 वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बट हाँ दूसरी 60 डेज वाली सेटिस्फाई हो गई, पहला पार्ट उसका, तो ये भी देखना है कि क्या वो 365 डेज या उससे ज्यादा दिन के लिए भारत में था, उसके इमीडिएट यहां से 4 प्रीवियस सालों में, तो इन 4 सालों का टोटल करेंगे
इन चार सालों का 130 से लेके, तो देखो यहां पे कैलकुलेटर पे 130 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 210। तो देखो, तो टोटल देखो यहां पे 450 डेज के लिए वो भारत में था, तो दूसरी हमारी जो बेसिक कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि भाई 60 डेज से ज्यादा प्रीवियस ईयर में और उसके पहले के चार प्रीवियस ईयर का मिला के 365 से ज्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 450 हो रहा है, तो रेसिडेंट इन इंडिया हो गया। अब उससे अलावा दो एडिशनल कंडीशन है जिसमें से 10 में से 2 साल के लिए वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, तो वो तो यहाँ पे हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि जिससे हमें पता चले कि वो रेसिडेंट इन इंडिया पिछले कोई भी 2 सालों में होगा, या अगर हम इस सभी दिनों का टोटल करें तो 730 डेज नहीं हो रहे, जो कि कंडीशन दूसरी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि 7 सालों के अंदर 730 डेज होने चाहिए, और अगर आप इन सभी दिनों का टोटल करने जाओगे तो वो आपका 730 डेज नहीं हो रहा है, मतलब एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो रेसिडेंट इन इंडिया है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहां पे हम इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे, मिस्टर वाई सेटिस्फाई सेकंड बेसिक कंडीशन, जो कि क्या कहती है 60 डेज से ज्यादा दिनों के लिए वो प्रीवियस ईयर में भारत में था और उसके पहले के 4 सालों का वो 365 डेज से ज्यादा भारत में था, तो वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा कि सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, बट डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ और बोथ एडिशनल कंडीशन। So, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा भाइयों, रेसिडेंशियल स्टेटस होगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहां पे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल की, अच्छे से प्रैक्टिस की, अलग अलग पॉसिबिलिटी समझाई, इसको पहले तो समझ के अपनी नोटबुक में आप लोग लिख दीजिए, और ये सभी एग्जाम्पल को दो दो बार अपनी नोटबुक में गिनना ताकि आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आए, और तो ही आगे डायरेक्ट टेक्स्ट में एग्जाम्पल्स आएंगे वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए, चाहे वो 11 12th हो, FYSY TY CAS CS के कोई भी लेवल के लिए, प्रॉपर प्लानेड एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे आपको या आपके फ्रेंड्स को अवेल करना है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे एक्सीलेंट एजुकेशनल फीचर्स हैं जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर टैरिफिक लेवल पे बढ़ सकते हैं, तो उसका आज ही फायदा उठाइए और हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।